कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। सरकार में मंत्री महिपाल झांझा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है सर। बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मैराथन बैठक चल रही है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, तैयारियां हो रही है, पैनल तैयार किए जा चुके हैं, किस तरीके का आप इसे देखते हैं? 5 तारीख से नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हुआ है। स्वाभाविक बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे सेट करने में लगी, हर व्यक्ति भी दौड़ धूप कर रहा होगा कि वे हम लोगों ने चुनाव की तैयारी करनी है, चुनाव की टिकट लेनी है। ये कैसा टाइम है जिसमें पार्टी अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए और आने वाले दिनों में कैंडिडेट उतारने के लिए तो सारी चीजें की प्रक्रिया वो इसी दौर में होनी है, इसलिए थोड़ा एक्टिविटी ज्यादा तेज आप लोगों को भी लग रही है। एक्टिविटी की आपने बात की, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर अलग पार्टियों की भी हम बात करें तो सभी पार्टियां, कांग्रेस हो जाए, आम आदमी पार्टी हो जाए, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। वहीं साथ ही एक और चर्चाएं चल रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकती है, अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी का उठता क्या है, क्या आम आदमी पार्टी का है, या ऐसा कुछ नहीं, मगर ये एक दूसरे के कंधे पे बैठ के एक दूसरे को मारने का काम करे, क्योंकि ना उसके पास कुछ है ना उसके पास कुछ है, जो जिसके कंधे पे बैठेगा वो उसने बोझ के नीचे दबा के मार देगा। तो यार इनका आपस में भी चाहे कोलैबोरेशन कर लो चाहे ना कर लो, कुछ उठने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, चूंकि अगर टिकटों की बात करते हैं तो ये भी हालांकि चर्चाएं चल रही है कि कुछ मौजूदा विधायकों की, कुछ मंत्रियों की भी टिकट कट सकती है, अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरीके से देखते आप इसे? देखिए, पार्टी एक मान विनिंग कैंडिडेट को टिकट दे चुनाव में, ये सभी की प्रायोरिटी है, तो उसमें जो भी कोई पार्टी ने पैमाना तय किया पार्टी उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। सही बात है, विनिंग कैंडिडेट को मैदान में उतारना आज सबसे बड़ी जरूरत है। उस नेता का चेहरा, उसका नेतृत्व का अपना आधार और पार्टी के प्रति कितना लॉयल, बहुत सारी चीजों को देख के चुनाव में उतारा जाता है। हमारी पार्टी इस सब पे मंथन कर रही है और ऐसे कैंडिडेट उठा रही थी जो सभी के सभी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे महिपाल झांझा जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।